हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कटलेट, जिसके लिए हमने 2 से 3 आलू को उबाल लिया है, ब्रेड लिए हैं, प्याज लिया है, शिमला मिर्च को अच्छे से काट लिया है और मिर्च को अच्छे से काट लिया है तथा धनिया को भी अच्छे से काट लिया है और कुछ पीसे मसाले लिए हैं, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और जीरा है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आलू के कटलेट बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आलू के कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू के कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड के कॉर्न्स को काट लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे ही हमें सभी ब्रेड के कॉर्न्स को काट लेना है। और जो ये ब्रेड के कॉर्न्स कटे हुए हैं, उसे मिक्सी के जार में पीस लेना है। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। ये हमारी इस रेसिपी में एज ए ग्लू काम करेगा। इसमें पानी डाल के एकदम पतला सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर एकदम तैयार हो गया है। अब हम अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ब्रेड में डालने के लिए आलू को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए जो हमने आलू को उबाला था, उसको हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डालते हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देते हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई डाल देते हैं। अगर आपको अधिक स्पाइसी पसंद है तो इसमें और हरी मिर्च डाल सकते हैं और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं। अब इसमें नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। आपको अगर अधिक नमकीन पसंद है तो आप अधिक नमक डाल सकते हैं और थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ी सी जीरा। इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। अब हम इसे मिला लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड में भरने के लिए हमारा आलू भी रेडी हो गया है। अब हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं। अब हमने जो ब्रेड के कॉर्न्स काट लिए थे, उस ब्रेड को अब हम बेलन से बेल लेंगे। अब इसी तरह सभी ब्रेड को बेल लेंगे। हम यहाँ पे छोटी छोटी आलू कटलेट बना रहे हैं। अगर आपका मन है तो आप बड़ी बड़ी आलू कटलेट भी बना सकते हैं। उसके लिए बस आपको बड़ी ब्रेड्स लेनी पड़ेंगी। छोटी ब्रेड कटलेट्स देखने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम यहाँ पे बड़ी छोटी ब्रेड कटलेट्स बना रहे हैं। अब हम ब्रेड में भरने के लिए आलू के छोटे छोटे शेप बना लेते हैं। देखिए, ऐसे आलू के पेड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे सभी आलू को हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने ब्रेड के कॉर्न्स काटे थे, उसको हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है और इसको
छोट अच्छे से पीस लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने ब्रेड में स्टफिंग बनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो हमने मैदे का बैटर तैयार किया था उसको थोड़ा सा लगा लेते हैं और इसमें आलू की पिट्टी को सेट कर देते हैं और इसे रोल कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये कहीं से भी खुला ना हो। इसका शेप हमने इसलिए ऐसे रखा है क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा भी इसी प्रकार हम बना लेंगे। ऐसे सभी को हम तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी ब्रेड को तैयार कर लिया है। हम दो टो आलू के भी तैयार करेंगे। अब हम अपने अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने जो ब्रेड के अंदर आलू डाल के तैयार किया था उसे हम अपने मैदे के बैटर में डुबो देंगे, उसे अच्छे से नहला देंगे पूरी तरह और अब हम इसे अपने ब्रेड क्रम्स में अच्छे से लपेट लेंगे। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह लपेट लेंगे, इसी तरह सभी को तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ब्रेड के रोल अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसे तेल के अंदर छोड़ देंगे। अब हम इसे तेल में छोड़ देंगे। ये KFC के चिकन फ्राइज बर्गर जैसे लग रहे हैं, तलने के बाद ये ऐसे लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्रेड क्रम्स, हमारे कटलेट एक तरह से तैयार हुए हैं। अब उसे पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू कटलेट कितने ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहे हैं। हमें ये पूरी तरह फ्राई कर लेंगे। ये लगभग फ्राई हो ही गए हैं। ये हमारे आलू कटलेट पूरी तरह फ्राई हो गए हैं और मैंने एक प्लेट निकाल के सब करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू कटलेट पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं। आप इसे टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब।